Next problem, problem number 70. N moles of an ideal gas, N moles of an ideal gas undergoes a process A to B as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during the process will be. Now, this is the figure A to B. Actually, this is point A and this is B. A to B, ऐसे जा रहा है process, right? अब देखिए इसमें हमको बताना कि what will be maximum temperature during A to B. तो देखिए सबसे पहले इस line का हमको equation लिखना पड़ेगा और equation ये क्या है? Basically straight line है with decreasing slope. तो straight line का equation क्या होता है? Y is equal to mx plus c और equation लिखना देखिए हम बताते हैं आपको इसका m क्या है? m is slope of that line और m slope of that line कितना हो जाएगा? This will be equal to देखिए slope क्या हो जाएगा? Tan theta यानी 2p0 minus p0 divided by ये intercept कितना है? 2v0 minus v0 which we, और decreasing है इसलिए minus है तो this will be minus p0 by v0. इसका ये slope हो गया और c क्या है? Y intercept है. तो y इंटरसेप्ट में हम क्या करेंगे? अब देखिए अब y एक्सिस पर क्या है? प्रेशर है. तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा p इज इक्वल टू m का वैल्यू माइनस p नॉट बाई v नॉट एंड प्लस c इंटरसेप्ट आ जाएगा किसी भी पॉइंट का. a पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेकर के हम इसको c का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे a के लिए देखिए a के लिए प्रेशर क्या है? 2p0. दिस इज 2p0 इज इक्वल टू माइनस P नॉट बाय V नॉट इंटू V. ये हो जाएगा यहां पर राइट ये यहां पर V हो जाएगा क्योंकि X के जगह X एक्सिस पर V है तो यहां V हो जाएगा. V क्या है? A के कॉरेस्पॉन्डिंग V है V नॉट तो दिस विल बी V नॉट एंड प्लस C. तो देखिए V नॉट कैंसिल हो गया. देयरफॉर C इज इक्वल टू कितना हुआ? C इज इक्वल टू 2p0 प्लस p0 विच इज इक्वल टू 3p0. तो C का वैल्यू आ गया हमारा 3p0. तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ए भी क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन ए भी विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू माइनस p0 बाई v0 इंटू V एंड प्लस 3p0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन P. तो आइए अब यहां से ये तो ऐसे इक्वेशन निकालना था. आइए यहां से हम लोग शुरू करते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन ए भी कितना हो गया? यानी हम इस प्रोसेस के लिए प्रेशर का एक्सप्रेशन हमारा क्या हुआ? दिस P इज इक्वल टू माइनस p0 बाई v0 इंटू V प्लस 3p0. दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर ऑफ द प्रोसेस. और हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू nRT होता है इसलिए पूरे एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये देयरफॉर अगर V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू माइनस p0 बाई v0 इंटू V स्क्वायर प्लस 3p0 इंटू V. ये हो गया PV. और PV क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT राइट. PV इज इक्वल टू यहां से इसी PV को हम लिख सकते हैं कि दिस PV इज इक्वल टू nRT राइट. इस पीवी को लिख सकते हैं. देयरफॉर डायरेक्ट हम यहां से पीवी को अगर एनआरटी लिख दें तो टी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हो जाएगा? दिस इज 1 बाई एन आर और ये क्या हो जाएगा? माइनस p0 बाई v0 इंटू V स्क्वायर प्लस 3p0 इंटू V राइट. ये आ गया हमारा टी का एक्सप्रेशन. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टी. अब ये बोलना है कि टी मैक्सिमम होगा हमारा कब? यहां पर देखिए प्रॉब्लम में देख लीजिए ये दिया हुआ है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी. टी मैक्सिमम कब होगा? तो टी मैक्सिमम फॉर आप जानते हैं मैक्सिमम इनमें लगा दिए फॉर टी टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए? dT बाई dV शुड बी इक्वल टू जीरो. और देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? जीरो विल बी इक्वल टू देखिए ये एनआर वाला टर्म तो जीरो मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा. दिस विल बी माइनस p0 बाई v0
और इनटू v स्क्वायर का क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो दिस विल बी 2v एंड प्लस 3p नॉट, राइट, प्लस 3p नॉट यहां से आ गया। और तब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे v का वैल्यू, देखिए तो v है, देयरफॉर v विल बी इक्वल टू v विल बी इक्वल टू इस एक्सप्रेशन में यह इधर जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू p नॉट कैंसिल हो गया, दिस विल बी 3v0 by 2, राइट, दिस v विल बी इक्वल टू 3v0 by 2, यानी हमारा मैक्सिमम कब होगा, ये टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा, जब v का वैल्यू 3v0 by 2 मैंने ऑलमोस्ट इसके बीच में, यानी 1.5v0 है, दिस इज इक्वल टू 1.5v0 और v0 2v0 है तो करीब यहां पर होगा इस पर मैक्सिमम। और तब वहां पर हम ये निकालेंगे इस इक्वेशन से, वी हैव टी मैक्सिमम, और डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं चूंकि एक ही पॉइंट मिल रहा है हम लोग, इसलिए ये टी मैक्सिमम का ही केस होगा। तो देखिए अब वी का वैल्यू 3/2v0 रख दीजिए यहां पर, तो दिस विल बी कितना हो जाएगा, 1/nr इंटू माइनस पी नॉट वी नॉट एंड वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9/4, वी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, दिस इज 9/4 वी नॉट स्क्वायर, राइट, 9/4 वी नॉट स्क्वायर प्लस 3p नॉट इंटू वी का वैल्यू कितना हो गया, 3/2v0, राइट, यह आ गया एक्सप्रेशन हमारा। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको करेंगे हम लोग तो दिस कम टू बी, देखिए v0 से भी स्क्वायर कट गया इससे, राइट, और ये हो गया 9/2v0 और यहां से माइनस 9/4pv0, राइट, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/nr तो है ही, 9/2pv0 माइनस 9/4p0v0, तो ये आ जाएगा करीब करीब 9/4p0v0 डिवाइडेड बाई nr, राइट, 9/4p0v0 डिवाइडेड बाई nr, सो करेक्ट क्वेश्चन भाई, करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 9/4p0v0 डिवाइडेड बाई nr, सो करेक्ट क्वेश्चन विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट क्वेश्चन विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2, ओके, थैंक यू।